नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप पानवेकर मैं एक बार विद्यापीठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो खिलाड़ी के प्रत्येक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो प्लेयर्स किसी भी गेम से हों और या अपने खेल से संबंधित हों तो उनके साथ ये अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो प्रत्येक खिलाड़ी के जीवन में घटित हुई है। सबसे पहले बात करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, अस्थि भंग क्या होती है, फ्रैक्चर क्या होते हैं, और फ्रैक्चर से जो मानव है या जो खिलाड़ी है जैसे तेज दौड़ने से या खेल के दौरान गिर जाने से और अस्थि भंग ज़्यादा होने की संभावना होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थि भंग अनेक प्रकार के होती हैं, ठीक है, कितने होती हैं, अनेक प्रकार के होते हैं और उनका उपचार प्रबंध भी अलग अलग होता है और इनकी व्याख्या निम्नलिखित है। अस्थि भंग द स्ट्रेस फ्रैक्चर दबाव अस्थिभंग एक अस्थिभंग एक क्रैक है, चटक है होती है जो आमतौर पर अधिक टकराव वाले खेलों के साथ लंबी दौड़े होते हैं या बास्केटबॉल खेलते समय ये आम चोट होती है। इस प्रकार अस्थिभंग बहुत ही दर्दनाक होती हैं और हालांकि अस्थिभंग सामान्यतः आमतौर अपने आप ही ठीक हो जाती है यदि उपयुक्त अवधि में 2 महीने तक आप उचित आराम करें। मान लीजिए जैसे पैर वगैरह में आ जाती हैं या हाथ वगैरह में आ जाते हैं तो क्या सामान्य आराम कीजिए, आपका अस्थिभंग ठीक हो जाए, परंतु जो पैर वगैरह के में जो पैर होता है उसमें कहीं भी अस्थिभंग हो जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है तो हमें अलग वो 2 महीने का बेड रेस्ट करना अनिवार्य हो जाता है। इसी के बाद हम अगला जो पॉइंट मेन रहेगा कि अस्थिभंग का जो प्रबंध हम किस प्रकार से करते हैं, अस्थिभंग होने से हमें कौन कौन से बचाव करने चाहिए, कौन कौन से, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कि हमारा जो पॉइंट रहेगा अगला अभी कि दबाव अस्थिभंग का जो प्रबंध है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर, सर्वप्रथम बात करते हैं कि प्रभावित अंग को ऊपर उठाकर रखें तथा आराम, देखिए पूछा गया आराम कर तथा ठीक ना हो तब तक अब आराम करना चाहिए। पॉइंट नंबर दो हमारा 24 से 48 घंटे तक अपने जो वहाँ पर चोट जहाँ से फ्रैक्चर हुआ उसके ऊपर बर्फ़ का सेकन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दर्द निवारक दवा, यदि दर्द महसूस होता है तो दर्द निवारक दवा ले, यदि प्रभावित का जो क्षेत्र है या भाग है उस भाग को आवश्यकता पड़ने पर स्प्लिंट का प्रयोग करें, ठीक है। सूजन के समाप्त हो जाने पर प्रभावित क्षेत्र में अधिकांश रूप में डालने तथा बैसाखियाँ या वॉकिंग स्टिक्स का प्रयोग करें। 2 सप्ताह के बाद आप सामान्य भार डाल, जैसे पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो हम क्या देखिए वॉकिंग स्टिक्स वगैरह हैं या वैसा क्या है इसके बारे में हम उनका प्रयोग करें तो 2 सप्ताह के बाद हम पैदल भी प्रभाव डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 से 8 सप्ताह के बाद यदि गतिविधि बंद हो जाती है तो इसका अस्थिभंग हुआ है उसके बाद वह धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट 6 से 8 सप्ताह के बाद उस गतिविधि को बंद किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा कच्ची अस्थिभंग से हमारा अभिप्राय है कि मनुष्य के जो ग्रीन स्ट्रिक्स फ्रैक्चर है कच्ची अस्थिभंग वह अस्थिभंग होती है जब अस्थिभंग मुड़ जाती है, जब हमारी हड्डी मुड़ जाती है तो वह तथा टूट जाती है तो ठीक से अलग अलग टुकड़ों में नहीं होती और यह अस्थिभंग प्राय बच्चों में हो जाती है। क्या होती है, प्राय बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी अस्थियाँ प्रौढ़ों की जो अस्थियों से ज़्यादा फ्लेक्सिबल या कोमल होती हैं तो जैसे उनकी हड्डी मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है या मुड़ जाती है तो उसमें क्या होगा कि इनकी हड्डी छोटे बच्चों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कच्ची अस्थिभंग का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन स्ट्रिक्स द फ्रैक्चर, इस प्रकार की अधिकतर अस्थिभंग हाथ और टांगों में होती हैं जो स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है ताकि अस्थिभंग अपनी प्राकृतिक तथा उचित अवस्था में ठीक हो जाती है। बच्चों में हटाई जाने वाली ये विभिन्न प्रकार, इस प्रकार हमें कच्ची अस्थिभंग है उसका प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और हम इसमें के अकॉर्डिंग जो हम कार्य कर रहे हैं उसके हम काम करते हैं। कि अस्थिभंग से हमारा अभिप्राय है कि अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है
उसमें कच्ची अस्थिभंग का प्रबंध किस प्रकार किया जाए। अस्थिभंग से सूजन कम कर जाते हैं, दर्द विनायक हो जाते हैं तथा दर्द की दवा को कम किया जाता है। सामान्यतः अस्थिभंग पूर्णतः ठीक हो जाने से पूरा 8 सप्ताह लग जाते हैं, 8 से लगभग 2 महीने लग जाते हैं। अधिक टकराव वाली गतिशील विधियों के जो उस प्रकार गतिविधियों का टकराव से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुअग्नक्षेत्र बात करते हैं कि बहुखंड अस्थिभंग, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जस्थि को बार बार कई जगह से टूट जाना, बहुअस्थिखंड का अभिप्राय क्या है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जब एक अस्थि को दो हिस्सों टूट जाती है या बहु हिस्सों में अस्थिभंग, जैसे ऐसी ये हड्डी है, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, यहाँ फ्रैक्चर हुआ, तो हड्डी सपोज कीजिए, मान लीजिए उसको दो तीन हिस्सों में टूटना बहु अस्थिभंग दौड़। इस प्रकार के अस्थिभंग हमारा मोटरसाइकिल के दौड़ में तथा मोटरसाइकिल की दौड़ में अधिक होती है। भूखंड से जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, कम्युनिकेटेड द फ्रैक्चर होता है, भूअस्थिखंड होता है, कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर होता है, मैनेजमेंट उसका किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जिसको पॉइंट रहेगा, भूखंड अस्थिभंग का उपचार का प्रबंध है। देखिए भूअस्थिखंड का जो प्रबंध कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें अस्थि को काफ़ी टुकड़े हो जाते हैं और भू अगर अस्थिखंड अस्थिखंड के क्षेत्र में ऊपर और नीचे के अस्थिखंड को का जो खपचे होते हैं जो लकड़ी का सहारा लेते हैं उनसे की सहायता से जोड़ दिया जाता है, सहायता से जोड़ दिया जाता है तथा टूटे हुए विशेष तौर पर बाजू की अस्थियों में हो जाता है, दर्द विनाशक हो जाता है या अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स द्वारा जो सिर्फ दर्द को दूर किया जाता है, परंतु वास्तव में ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं वहाँ बैठते हैं। अब अस्थिभंग का जो आडा तिरछा अस्थिभंग हो जाता है, कई बार जो हमारी यह रीढ़ की हड्डी की अवस्था में पा जाता है, जो टूटना होता है, यह आकृति पंख की तरह होते हैं और इसमें अस्थिभंग का जो ऊपरी जो भाग मध्य पीठ के बाद नीचे के भाग में चला जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे सबसे आडे तिरछे अस्थिभंग का किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाता है, ट्रांसव्यूस फ्रैक्चर है, यदि चोट बीमारी जैसे टूटने से सीमित है तो कोई चोट न लगी हो तो अस्पताल में सेवाओं की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती। यदि दर्द को नियंत्रण करने के लिए दर्द निवारक दवा भी लेना अनिवार्य है और विभिन्न गतिविधियों को सीमित कर देनी चाहिए। और रीढ़ की हड्डी की जो अस्थियाँ हैं सबसे महत्वपूर्ण बहु अस्थिभंग की दशा में मेरे रज्जु के नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि जो है दर्द है या कड़ापन है, स्टिफनेस है, हो सकता है, और खिलाड़ी को पूर्णतः आराम करना चाहिए और व्यक्तिगत जो हो गतिविधियों को तो से तुरंत से शुरू कर देना चाहिए, जैसा कि गर्दन की जितनी भी गर्दन व पीठ की टेढ़ा पट्टी से फैंस की सहायता से इनको शक्तिशाली बनाने के लिए काम आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक हमने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हमने किया कि किस प्रकार से अस्थिभंग होते हैं, उनका प्रभाव हैं को बचाव प्रभाव मैनेजमेंट का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, तिरछा अस्थिभंग क्या होता है। तिरछा ओब्लिक्यूट बोन्स फ्रैक्चर तिरछा अस्थिभंग तब होता है जब हम अस्थि हमारे धुरी तथा अक्षल तिरछे विकिरण के रूप में अस्थि टूट जाती है तथा अधिकतर अस्थिभंग ह्यूमरस तथा फीमर्स अस्थिभंग में लंबी अस्थियाँ होती हैं बहुत होता है, परंतु ऐसा ही माना जाता है कि तिरछी अस्थिभंग का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ द ओब्लिक्यूट फ्रैक्चर, भाई ओब्लिक तिरछी अस्थिभंग से ओब्लिक्यूट से उपचार तथा प्रबंध का तरीका होता है और विभिन्न प्रकार के जो अस्थिभंग काफ़ी मात्रा में नुकसानदायक होती है और ये जो नुकसान है आपका बहुत कम हुआ और अस्थिभंग के उपचार के लिए प्लास्टर कास्ट का प्रयोग किया जाता है। हालाँकि जो तिरछी अस्थिभंग है सर्जिकल के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक होती है। यदि नुकसान व्यापक विस्तृत है तो मेटल रोड या पैच का शुक्रगा की अस्थि में इसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक हमारा अस्थिभंग के जो फ्रैक्चर हैं इसके बारे में पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थिभंग के जो फ्रैक्चर हैं वो किस प्रकार के होते हैं। दबाव द अस्थिभंग स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। नंबर दो हमारा ग्रीन सिक्स फ्रैक्चर होता है। अब तीसरा
कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा, जो मेन टॉपिक हमारा ये था मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।